एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ हमें मिला है दोस्तों, जिसकी मदद से हम जो भी हमारा कंफ्यूजन है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना से संबंधित, वो सारे कंफ्यूजन को हम इस पीडीएफ की मदद से कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। पहला कंफ्यूजन हम सभी के मन में है दोस्तों कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, ये कब से स्टार्ट होगी। दूसरा जो मेन कंफ्यूजन है दोस्तों, हमारे CSE वेली किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या डिवाइस की आवश्यकता होगी उन्हें पंचायत भवनों में, और उनका CSE ID कैसे मैप होगा और कैसे वो इस योजना में कार्य कर पाएंगे। तीसरा कन्फ्यूजन दोस्तों, हमारे CSE वेली लॉगिन कैसे करेंगे, आगे का क्या प्रोसेस होगा। और चौथा जो मेन इम्पोर्टेंट, हमारे CSE वेली को इस योजना में जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे बेनिफिशरी का, लाभुक का, तो इसमें उनका कमीशन क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस PDF की मदद से इन सारी कन्फ्यूजन को स्टेप बाय स्टेप समाप्त करने की कोशिश करेंगे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस PDF में पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया है सारी जानकारी को दोस्तों, जो मेन पॉइंट है उसे हम रीड एंड वॉच करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और वहां से इस PDF को आप भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप भी रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे, प्रेषक मनोज कुमार सरकार के सचिव, तो ये बताया गया है इनके द्वारा कि ये जो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है, इसे किस प्रकार से क्रियान्वयन आगे किया जाना है। तो चलिए मेन चीज़ों को हम यहाँ रीड करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसकी जो फॉर्म होगी निःशुल्क वाली, वो आंगनबाड़ी केंद्रों से लाभुकों को दिया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, जो भी सॉफ्ट कॉपी है उसे आप jharkhand.gov/WCD की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि डाउनलोड फॉर्म भी चलेगा, और साथ ही जो भी जीरोक्स कॉपी भी रहेगा तो वो भी इस योजना में आवेदन पत्र मान्य होगा। अब दोस्तों हम तीसरे इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ते हैं। योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र प्राप्ति एवं इससे ऑनलाइन करने की कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन से एवं शहरी क्षेत्रों में उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थल पर कैंप मोड में कराया जाएगा। वैसे भवन जिनका इस्तेमाल मतदान केंद्र के रूप में किया जाता है, इन भवनों में शिविर आयोजन हेतु विचार किया जा सकता है। VLE का कैंप वाइज मैपिंग किया जाएगा एवं ब्लाइंड जोन के लिए कैंप का लोकेशन शीघ्र अतिशीघ्र 31 जुलाई 2024 के पहले विभाग को उपलब्ध कराया जाए। तो इस प्रकार का भी निर्देश दिया गया है विभागों को। चौथा ऑप्शन में आप पढ़ पा रहे होंगे दोस्तों, विभाग द्वारा CSE ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में प्रत्येक पंचायत में CSE ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड द्वारा 5 VLE विलेज लेवल इंटरप्रायर, संपूर्ण उपकरण यथा AEBPS मशीन, आई स्कैनर, लैपटॉप, वाईफाई स्कैनर, फोटो कॉपियर ETC के साथ कार्यरत रहेंगे, जहां लाभुकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर डिजिटलाइजेशन एवं ऑनलाइन किया जाएगा। पांचवा ऑप्शन में आप रीड कर पा रहे होंगे, VLE द्वारा आवेदिका का आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल आधार ऑथेंटिकेशन कर लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा। छठा ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आवेदिका जो होंगे उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ों का आवश्यकता होगा जब भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन करने के पश्चात VLE द्वारा आवेदन को ऑनलाइन पंचायत सेवक हल्का कर्मचारी के लॉगिन में भेजा जाएगा एवं हार्ड कॉपी समस्त अनुलग्नों के साथ तत्काल संबंधित पंचायत सेवक को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी अभिलेख BDO CO कार्यालय में संरक्षित की जाएंगी। आवेदन के 3 दिनों के अंदर पश्चात सेवक हल्का कर्मचारी द्वारा स्वीकृत अस्वीकृत हेतु ऑनलाइन अनुशंसा भेजा जाएगा, जिस पर अगले 3 दिनों के अंदर BDO CO द्वारा ऑनलाइन स्वीकृत अस्वीकृत किया जाएगा। तदंतर PFMS पोर्टल के माध्यम से ADSS द्वारा भुगतान किया जाएगा। इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु उपायुक्त द्वारा कैंप प्रारंभ होने से पहले एक उन्मुखीकरण कार्यशाला का शीघ्र आयोजन किया जाना वांछित है। योजना क्रियान्वयन से संबंधित कर्मी, बैंक कर्मी, VLE, सिविल सोसाइटी एवं अन्य कार्यशाला में आमंत्रित करने के संबंध में उपायुक्त स्तर से निर्णय लिया जा सकता है। विदित हो कि कैंप का आयोजन 3/8/2024 से 10/8/2024 तक किया जाना है। उपायुक्त से निम्न बिंदुओं पर सहयोग उपेक्षित है। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो यहाँ पे आप भी रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे, जिसे दोस्तों हम सभी CSE VLE को ये सारी चीज़ों को अपने स्तर से अपने पंचायत में ये सारी चीज़ें व्यवस्था कर लेनी होंगी। अब हम दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे ही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यह शिविर केवल सुविधा के लिए आयोजित है, परंतु प्रत्येक पंचायत कार्यालय CSE केंद्र द्वारा निरंतर नए लाभुकों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
भविष्य में नए लाभुकों को जोड़ा जाना एवं अयोग्यता को प्राप्त लाभार्थियों को नाम काटा जाना ससमय रूटीन वर्क के तहत किया जाएगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु 3/8/2024 को सभी केंद्रों पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में समारोह पूर्वक इस योजना का शुभारंभ किया जाना अपेक्षित है। यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप यहाँ से कवर कर लिए होंगे कि कब से स्टार्ट होगा, कैसे लॉगिन होगा और कैसे आप कैंप मोड में काम करेंगे, या फिर उसके बाद कैंप मोड जब ख़त्म हो जाएगा तो अपने सीएससी सेंटर से भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ड कॉपी है या जो भी सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करना है या रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस पीडीएफ की मदद से आप जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे सीएससी वीएलई का कमीशन क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें भी हमारा कमीशन आयुष्मान कार्ड के समान ही होगा, मतलब 20 रुपये मिलेंगे। बाकी जो है हमारा टीडीएस, वो हमें 3 रुपया कुछ पैसा जो है वो हमारा टीडीएस कटेगा, वो हम बाद में टीडीएस रिटर्न फाइल करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।